आप जिसे गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो क्या आपको जवाब नहीं दे रहा, वो आपको सिर्फ अपना दोस्त मानता है, क्या आप फ्रेंड जोन में फंस कर रह गए हो? तो देखो, हो सकता है कि आप दोनों आपस में घंटों बात करते हो, एक दूसरे की भी केयर भी करते होंगे, शायद आप इसको प्यार समझ कर लड़की को प्रपोज कर दिया है, अब लड़की आपको इग्नोर कर रही है। देखो, यह प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, आप ऐसा फील मत करो कि आपने प्रपोज करके कोई गलती की है। नहीं, आप गलत नहीं हो, अगर प्रपोज करने के बाद भी लड़की आपसे बात कर रही है तो समझो आपकी लॉटरी लग गई है। आप इस दोस्ती को प्यार में बदल सकते हो, बस आपको लड़की का माइंडसेट चेंज करना होगा। नेवर शो योर फीलिंग, डोंट प्रपोज अगेन। देखो, जनरली होता क्या है, लड़का रिजेक्ट होने के बाद मजनू बनकर लड़की के पीछे पड़ जाता है, उसे बार बार प्रपोज करता है, इससे लड़की परेशान हो जाती है और लड़की से पीछे छुड़ाने की कोशिश करती है। तुम रिएक्शन को जितना सीरियसली लोगे लड़की तुमसे उतना ही दूर भागेगी। रिएक्शन को ज्यादा सीरियसली मत लो, बहुत सारी लड़कियां बिना किसी कारण से भी लड़कों को रिजेक्ट कर देती है और वो देखना चाहती है कि तुम रिएक्शन के बाद क्या करते हो। देखो, तुम लड़की के सामने पहले क्या थी ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है रिएक्शन के बाद तुम कैसे रहते हो। रिजेक्शन के बाद तुम जितना शांत रहोगे लड़की तुम्हारी उतनी दीवाने से चली जाएगी। लड़की को दोबारा प्रपोज मत करो, उस बारे में आप कोई बात मत करो, देखना लड़की प्रपोज के बाद खुद उठाएगी और तुम्हारा रिएक्शन चेक करेगी। क्या तुम रिलेशन को लेकर सीरियस हो, कहीं तुम एक्टिंग तो नहीं कर रहे हैं? स्पेशल सर्विस देना बंद करो। देखो, लड़कियों को एक बॉयफ्रेंड से क्या उम्मीद होती है कि उसकी केयर करे, उसकी बातें सुने, उसे टाइम दे। अगर ये सब चीजें लड़की को एक दोस्त से मिल रहा है, एक आशिक से मिल रहा है, तो वो बॉयफ्रेंड का टेंशन क्यों बनेगी? जब लड़की को फ्री में सारे फीलिंग्स एक दोस्त से मिल रहा है तो वो बॉयफ्रेंड क्यों बनाएगी? तुम अगर दोस्त हो तो दोस्त बनकर रहो, बॉयफ्रेंड वाले ट्रीटमेंट तब तक मत दो जब तक तुम उसके बॉयफ्रेंड ना बन जाओ। यहाँ एक बात ध्यान देना कि तुम्हें लड़की को इग्नोर नहीं करना है, बस उसकी एक दो बात पर ध्यान मत दो। धीरे धीरे उसे टाइम देना कम कर दो, उसे केयर कम कर दो। तुम्हारी हरकतों से उसे ये फील नहीं होना चाहिए कि उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया इसलिए तुम ऐसा कर रहे हो। देखो, जब कोई चौकीदार होता है तो वो खुश होता है, लेकिन जब उसे घर का मालिक बनाकर फिर से चौकीदार बना दिया जाए तो उसे बड़ी तकलीफ होती है। वो फिर से मालिक बनने के लिए कोई भी कीमत चुका सकता है। लड़की को भी फ्रेंड वाले ट्रीटमेंट दो, वो फिर से गर्लफ्रेंड वाले ट्रीटमेंट के लिए कोई भी कीमत चुका जाएगी। दूसरी फ्रेंड के साथ एंजॉय करो, पर लड़की को जलाओ मत। जब तुम दोनों दोस्त थे उसके हर चीज का ख्याल रखते थे, उसे केयर करते थे, उसे स्पेशल फील कराते थे, उसकी तारीफ करते थे, लेकिन अब तुम ऐसा नहीं करते। अगर उसे कभी लगा कि तुम वो सारे फीलिंग किसी और को दे रहे हो तो वो तुम्हें फालतू लड़का समझेगी जिसके लिए लड़कियां सिर्फ टाइम पास है। वो समझेगी कि तुम टाइम पास कर रहे थे, तुम्हें लड़कियों से प्यार नहीं था। तो लड़की के सामने किसी दूसरी लड़की से बात करके उसे जलाने की कोशिश मत करो। हाँ, लेकिन तुम उसे दिखा सकते हो कि तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन है, लेकिन फिर भी तुम उससे प्यार करते हो, तुम उसे ही चाहते हो। लड़की तुम्हारे इस फ्रेंडली बिहेवियर से परेशान हो जाएगी। गौर करो तो तुम वैसा बिहेव कर रहे हो जैसा लड़की कर रही थी। ध्यान देने वाली बात यह है कि तुमने लड़की को प्रपोज नहीं किया, बल्कि लड़की ने तुम्हें प्रपोज कराया था। उसने तुम्हें ऐसा फील कराया था कि तुम दोनों रिलेशन में आ सकते हो। देखो, लड़कियों को अच्छा लगता है कि जब कोई लड़का उनके पीछे रो रहा हो, उनकी यादों में तड़प रहा हो, उनसे बात करने के लिए उल्टी से तिकड़म लगा रहा हो। लड़कियां इसी चीज को पाने के लिए लड़कों को दीवाना बनाती है और पीछे अड़ जाती है। अभी की सिचुएशन की तरफ ध्यान दो तो लड़की ने बहुत मेहनत किया है तुम्हें प्रपोज कराने के लिए। लड़की जानती है वो तुम्हें मना कर देगी, तुम उसके पीछे पागल हो जाओगे। तुम्हें अपने पीछे पागल करने के लिए उसने 1 से लेकर 10 महीने तक तुम्हारे पीछे मेहनत किया, उसने तुम्हारा ख्याल रखा, तुम्हारे बाल सवारे, तुमसे चिपकती रही। अब अगर तुम दीवाने नहीं हुए, उसे स्पेशल सर्विस देना बंद कर दिया है, तो लड़की तो पागल हो जाएगी ना।